देखिए, अभी मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई फौरी तौर पे इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर पाऊँ। अभी मैंने फ़ैसला करना है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है या मैंने नहीं करनी है। तो ये चूँकि अभी मैं अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से इसके ऊपर मशवरा करूँगा, फिर उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने पॉलिटिक्स आगे जारी रखनी है या नहीं रखनी है। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, जनरली पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं उनके बारे में मेरा अब भी यही ख्याल है कि वो वायलेंस वाले लोग नहीं हैं। और जो कैंप की बात कर रहे हैं तो वो वेस्ट रीजन पंजाब का कैंप था, किसी इंडिविजुअल का कोई कैंप वहाँ पे हमारी तरफ से नहीं था। क्योंकि मैं वेस्ट रीजन पंजाब को हेड कर रहा था तो इसलिए वो कैंप वहाँ पे, हर एक रीजन का वहाँ पे एक एक कैंप था और वो वेस्ट पंजाब रीजन का भी वहाँ पे कैंप मौजूद रहा। देखिए, ये मेरा ज़ाती फैसला है, किसी किस्म का कोई दबाव, प्रेशर या किसी किस्म का कोई मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ा सोच समझ के, गौर व फिक्र करने के बाद मैंने ये फैसला किया है। और बाकी पार्टी को बताने की बात तो वो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मेरे ख्याल में सबको मेरा मैसेज चला जाएगा। देखिए, इन चीज़ों का मैंने आपको पहले हलफ उठा के मैंने एक आपको बात बताई है, अगर आपको फिर उस पर भी यकीन नहीं है तो मेरे पास फिर और कोई ज़रिया नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मुझे किसी, ना मेरा फैसला था ना मुझे किसी ने कहा। देखिए, अभी तो मैंने अपना फैसला, मैंने अपनी ज़ात का फ़ैसला किया, मेरा किसी के साथ कोई राबता नहीं है। तो हर शख्स जो है वो अपना फ़ैसला करने में आज़ाद है। तो मैंने मुनासिब यही समझा है कि मैंने जो अपना फ़ैसला किया है वो मैं अपने लोगों के सामने रख दूं, और मैं अपने हलके के लोगों का, मैं अपने फैसलाबाद के लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा मोहब्बत दी है, मेरा साथ भी दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।